हेलो व्हाट्स अप गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने पड़ा है एक समंथा का स्केच, तो जो कि मैंने रिसेंटली ड्रॉ किया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्केच ड्रॉ करने का क्या क्या प्रोसेस है और जो आर्ट मटेरियल है वो कौन कौन से हैं, इसकी सारी जानकारी दूंगा और ये मैंने पिक कहाँ से डाउनलोड किया है और आप इसको कैसे ग्रिड मेथड में कन्वर्ट करके कैसे आप जो आउटलाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप शेडिंग कैसे करें और ये जो देख पा रहे हैं आप 3D इफेक्ट कैसे लेकर आएँ अपने स्केच में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो टूल हैं मेरे उनकी मैं डिटेल दे देता हूँ आपको। तो गाइस ये रहे मेरे टूल। सबसे पहले पेंसिल की बात कर लेते हैं। तो पेंसिल मेरे पास है फेवर कैसल की 9000 सीरीज़ की, और ये मेरे पास 6 पेंसिल का सेट है और साथ में 2 स्टेडलर की पेंसिल भी है, 6B और 4B मैंने यूज़ की है और काफ़ी बढ़िया पेंसिल है, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। सारे स्केचे जो मेरे रिसेंट मैंने ड्रॉ किए हैं पिछले साल मेरे इसी पेंसिल से ड्रॉ किए हैं। ये मैंने अभी 2 सेट है, पहले एक ख़रीदा था, ये अभी देखो ख़त्म हो चुका है, और एक अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदा था ये वाला, ये भी हालांकि ख़त्म ही होने वाला है। और उसके बाद ये 2 स्टेडलर के मैंने एक्स्ट्रा बाय किए थे, ये भी लगभग ख़त्म होने वाले हैं। आप ये अपने नियरेस्ट स्टोर से बाय कर सकते हैं या फिर अमेजोन से मंगवा सकते हैं। ये पेंसिलों का लिंक है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट करके ख़रीद सकते हैं। तो उसके बाद पेंसिल के बाद हम बात कर लेते हैं इरेजर की। इरेजर मैंने ये 2 रेगुलर इरेजर हैं, स्टेडलर की इरेजर और एक डॉम्स की इरेजर, ये यूज़ किए हैं। उसके बाद एक ये आती है पेंसिल इरेजर, इसका भी मैंने यूज़ किया है, जहाँ पर आप हाइलाइटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये भी आपको आपके नियरेस्ट स्टोर पे मिल जाएगी। उसके बाद आती है एक नीडेबल इरेजर, तो नीडेबल इरेजर का भी मैंने यूज़ किया है, ये आपको जैसे मर्जी आप इसको फॉर्म लेके आ सकते हो फॉर्मेशन में, तो कहीं पर आपको जैसे हाइलाइटिंग करनी है तो उसके लिए आपको ये यूज़ में आएगी। और उसके बाद पेंसिल की मैकेनिकल पेंसिल की बात कर लें तो ये मैंने ग्राफ गियर, पेंटल की ग्राफ गियर आती है उसका यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी पेंसिल है। इसमें मैंने 2B का लेड इसमें डाला हुआ है। और ये ब्रश की बात कर लें, ब्रश मेरे पास ये क्लीनिंग के लिए, स्केच क्लीनिंग के लिए, जैसे आप इसे अपना स्केच क्लीन कर सकते हैं। और ये 2 छोटे छोटे हैं, इसे मैंने शेडिंग की है शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए, और एक और ये वाला, ये दोनों ये मीडियम साइज है, छोटा साइज है और एक ये थोड़ा बिग साइज है, इससे आप स्केच अपना क्लीन वगैरह कर सकते हैं। और एक ये पेंसिल एक्सटेंडर, तो ये पेंसिल एक्सटेंडर आपका जो अगर पेंसिल छोटी हो जाए तो इसमें यहाँ पर आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर दोनों साइड आप पेंसिल लगा सकते हैं। उसके बाद एक और रेजर है मेरे पास, डॉम्स की रेजर ये वाली, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, ये भी काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ छोटे एरिया आपको साफ़ करने होते हैं क्लीन करने होते हैं तो उसके लिए आपको ये यूज़फुल होगी। और एक ये पेपर स्टम्प जो कि मैंने अपने स्केच में यूज़ किया है, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट है, ये भी आपको ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने ये जो है पिक कहाँ से डाउनलोड की, ये मैंने फ़ोटो गूगल से ही डाउनलोड किया है, और उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको ग्रिड मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैंने कौन सा ऐप यूज़ किया है। आप गूगल पे जाकर, प्ले स्टोर पे जाकर आप ऐप आता है ये मेरे पास देख सकते हैं, ग्रिड ड्राइंग ऐप है, तो आपको ये वाला ऐप जो अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है आपको वहाँ से ये सर्च करके डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है, सिंपली ओपन करना है। और ये जो आपको आइकन देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करके साइज में चूज़ कर लेना है, A4 जो भी आपका साइज है, वहाँ से आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी खुल जाएगी। तो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखा है ये स्केच, तो गैलरी खुलने के बाद आप जो फ़ोटो बनाना चाहते हैं वो चूज़ कर लें तो वो सामने आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे कि साइज़ सेल कितना रखना है, तो मैंने 20mm साइज़ जो सेल का रखा हुआ है 20mm, तो ये जो एक एक बॉक्स देख पा रहे हैं आप ये 20mm के, वो सेम साइज़ आपको A4 साइज़ का पेपर लेना और उस पर ड्रॉ कर लेने हैं 20-20mm के,
बॉक्सेस, और इसमें आपको देख पा रहे हैं कि गिनती भी लिखी होगी कितने, 1 से लेके 11 तक। जो 11 है वो थोड़ा फुल नहीं आया, मतलब 10 तक ही आप ड्रॉ करें, उसके बाद हाफ थोड़ा छोड़ दें, कोई बात नहीं, वो फिट बैठ जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखें 15 तक गिनती है, तो ऐसे ही ये वाला आप पूरा सेम बॉक्स अपने इस पर ड्रॉ कर लें, उससे आपको इजी हो जाएगा अपने जो आउटलाइनिंग करने के लिए। तो गाइज ये था मेरा टूल जो मैंने यूज़ किया, टूल वगैरह, और मैंने आपको जानकारी दे दी कि कैसे मैंने ये ग्रिड मेथड से कौन सा ऐप मतलब यूज़ किया है उससे ड्रॉ किया है। तो चलिए गाइज अपने जो स्केच को मैं वो ड्रॉ वाली वीडियो में आपको दिखा देता हूँ किस तरह मैंने ड्रॉ किया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी ये यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। इसमें मैंने आप ईच एंड एवरी स्टेप बढ़िया तरीके से दिखाए हैं। वैसे तो ये टाइम लैप्स वीडियो है, पर आपको मतलब पता लग जाएगा कि किस तरह मैंने पार्ट जो है ड्रॉ किए हैं, किस तरह हेयर ड्रॉ किया है, किस तरह आईज नोज वगैरह सारे मैंने अच्छी तरीके से बताए हैं उसमें।
दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस स्केच के रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी चीज़ जाननी है आपको, और आर्ट मटेरियल के रिलेटेड भी कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे इस वीडियो के मतलब कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें। मैं इस तरह के वीडियो और लाने वाला हूं, और मेरे चैनल पर मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं, और दूसरे जो स्केच की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।